सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो कि पॉलीनोमियल की थी, बहुपद, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है और इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। आप चाहो तो उसको देख लो, बिना उसको देखे यहाँ पर पहुँचिएगा वरना समझ में आएगा नहीं। देखो यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल, बहुपद के शून्यक। अगर इस शब्द का मतलब समझ लीजिएगा तो यू विल गेट द आंसर। वो एक्स की वैल्यू जो चर होता है ना, जिसको वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, उसकी वो वैल्यू जो किसी पॉलीनोमियल को, जो किसी बहुपद को शून्य कर दे, जीरो कर दे, वो उसका जीरोज होता है, वो उसका शून्यक होता है। समझ में आ गई बात, काम खत्म। अगर आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने एक दिया पी एक्स बराबर, हमने बताया था कि पॉलीनोमियल यानी बहुपद को नाम देने का तरीका होता है ना, जैसे आपका नाम रोहित है, आपका नाम सिराजू, राजू, आत्मप्रकाश वाजपेयी, वैसे बहुपद का भी कुछ नाम दोगे ना तो उसको पी एक्स मान लेते हैं। जैसे हमने कहा पी एक्स को हमने मान लिया एक्स माइनस फाइव, और मैं आपसे कहूं कि भाई x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको जीरो कर दे, तो आप ऐसा करो ना, इसी को जीरो कर दो, आप x माइनस फाइव को जीरो कर दो, तो x का मान क्या आएगा, फाइव आएगा ना। यानी अगर मैं x जगह यहाँ फाइव रख देता हूँ तो फाइव माइनस फाइव जीरो आ रहा कि नहीं जा रहा, तो आप कहेंगे जो फाइव है ना वो इसका शून्यक है, ये उसका जीरोज है, बस काम खत्म। यानी x की, y की या z की, जिसके भी टर्म में वो पॉलीनोमियल या वो बहुपद गिवन हो, उसकी वो वैल्यू जो उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दे, बस ये है। अब बस और कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं। पॉलीनोमियल क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल। देखो एक पॉलीनोमियल यानी एक बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक बहुपद है, ठीक है, और x की अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपसे कह रहा है कि उन वैल्यूज़ पर इसके मान निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। तो पहला पार्ट वो कह रहा है कि आप x को जीरो कर दो, रख दो जीरो, तो जब जीरो करोगे तो यहाँ तो हम नाम दे देंगे पी जीरो, है ना, यहाँ रखो जो जीरो, तो फाइव इंटू जीरो माइनस फोर इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री, कैलकुलेशन तो आता होगा ना, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू जीरो, ये भी जीरो आएगा, प्लस थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, थ्री, काम खत्म, बस वैल्यू रख देना है आपको। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है भाई माइनस वन रख दो, रख दो एक्स की वैल्यू माइनस वन रख दो, तो ये पी माइनस वन हो जाएगा, रखो यहाँ पर फाइव इंटू माइनस वन माइनस फोर इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस का थ्री। देखो जब फाइव पॉजिटिव है, प्लस का है ना, और माइनस वन निगेटिव है, तो इसका माइनस क्या आएगा, माइनस फाइव आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस वन, वन का फोर से मल्टीप्लाई करो तो फोर आएगा, माइनस का फोर आएगा और प्लस का थ्री आएगा, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस का नाइन प्लस का थ्री, वैल्यू क्या आ गई, माइनस का सिक्स। इतना कैलकुलेशन आपको आता है ये हम जानते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है भैया एक्स क्यूब टू रख दो, तो यहाँ पर पी टू लिख दो, रख के देखो जरा यहाँ क्या आएगा, फाइव इंटू टू, तो आएगा फाइव इंटू टू माइनस फोर इंटू टू का स्क्वायर प्लस का थ्री, यही तो आएगा ना, आपके कैमरे में कैद हो रहा है, हाँ कैद हो रहा, थोड़ा और कैद करा लो। तो देखिए फाइव इंटू क्या हो जाएगा, टू, टेन हो जाएगा, फिर दो दुनी चार, चार चौक सोलह, माइनस का सोलह हो जाएगा, प्लस का थ्री होगा, टेन का प्लस है और टेन का थ्री, प्लस का टेन है प्लस का थ्री है, तो प्लस का थर्टीन माइनस का सिक्सटीन, ये माइनस का थ्री आएगा। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक्स की वैल्यू रखो और इस बहुपद का मान निकालो, ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पी जीरो पी वन एंड पी टू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। कुछ बहुपद दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू आप जीरो पर, वन पर और टू पर निकालना है। जैसे पहला है
ये पी वाई, पी वाई दिया है। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें पी जीरो निकालो, यानी वाई की जगह क्या रख देंगे, जीरो रखो। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस ये जीरो प्लस का वन, क्या वैल्यू आएगी, वन आ जाएगी, आ जाएगी ना। अच्छा वाई को वन रखो तो पी वन हो जाएगा। देखो वन का स्क्वायर वन, माइनस वन प्लस वन, क्या वैल्यू आएगी, वन आ जाएगी, क्योंकि वन माइनस वन जीरो और जीरो प्लस वन, वन आ जाएगा। फिर कह रहे हैं पी टू निकालो, जरा ध्यान से देखिए, जब यहाँ टू रखोगे ना तो टू का स्क्वायर करोगे, टू टू जा फोर, दो दूनी चार होता है ना, फोर माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू क्या आएगा टू, टू प्लस वन क्या आएगा थ्री, तो ये वैल्यू निकल आई, पहला पार्ट हो गया आपका। अब अगले पार्ट में उन्होंने जो चर दिया है वो टी है, जो वेरिएबल है वो टी है, यानी आप वैल्यू टी के रखना है। तो फिर वही चीज़ आपसे कह रहा है पी जीरो निकालो, यानी टी को रखो जीरो, तो ये तो टू हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो, माइनस का जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। अरे बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम जोर नहीं दे रहे हैं, पी वन लिखते हैं। आप टी की जगह वन रखो, ये तो टू हो जाएगा ना, प्लस टी को वन रखा है टू आएगा, प्लस देखो टी का वन रखोगे, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन इंटू वन वन, और वन का टू से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, क्या आएगा, टू आएगा ना, और ये माइनस का वन, तो क्या होगा, दो एक तीन दो पाँच में एक क्या, कितना आएगा, चार, सही है ना, सही होगा। टी को रखो टू, तो ये यहाँ रखो टू, तो ये टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टू हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू आठ, चार दुनी आठ होगा, और माइनस यहाँ रखोगे टू इंटू टू इंटू टू आठ होगा, देखो तो दो चार और आठ माइनस आठ जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, चार। तो ये वैल्यू हो गई सेकेंड पार्ट की, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसा कैलकुलेशन आपको कुछ गड़बड़ करे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम दोबारा इसको बता देंगे। वैसे बताने लायक है नहीं, बहुत इजी चीज़ है, केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी। ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट कह रहा कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो पी जीरो निकालो, रखो एक्स को जीरो, तो जीरो का क्यूब जीरो आएगा ना, वन रखो वन का क्यूब वन आएगा, वन इंटू वन इंटू वन, टू रखो टू का क्यूब क्या आएगा, टू इंटू टू, यानी कि एट आएगा। ये तो कैलकुलेशन इजी है। अच्छा इसी में फोर्थ पार्ट कर देते हैं। पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया है आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब आपसे कह रहे हैं पी जीरो निकालो, रखो जरा एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आएगा, ये आएगा जीरो माइनस वन, या आएगा जीरो प्लस वन। देखो जीरो माइनस वन बोले तो माइनस वन, और ब्रैकेट बंद, और ये प्लस वन, और जब दो ब्रैकेट होते हैं तो ब्रैकेट के बीच चिन्ह कौन सा होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो वन माइनस वन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन। अब कह रहे हैं आप पी वन निकालो, रखो एक्स को वन, तो वन माइनस वन ब्रैकेट में वन प्लस वन, तो वन माइनस वन हो गया जीरो, और ये बीच में साइन कौन सा लगेगा, इन टू का, और वन प्लस वन क्या हो गया टू, तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पी टू निकालो, तो टू माइनस वन इन टू टू प्लस वन, तो टू माइनस वन क्या हो गया वन, और टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, तो वन इन टू थ्री वैल्यू विल कम थ्री। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, ये चौथे पार्ट का सोल्यूशन हुआ। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन थर्ड कह क्या रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, और जे वही क्वेश्चन है जिसका जिस पर बेस एक्सरसाइज बताई गई है। क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट, सत्यापित करो कि निम्न जो बहुपद हैं वो उसके आगे जो एक्स का मान लिखा है वो उसके शून्यक हैं कि नहीं है, जीरोज हैं कि नहीं है। अभी हमने क्या कहा जीरोज के लिए, अगर ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी जाए और इस एक्स की वैल्यू को रखने पर ये जो बहुपद है जो पॉलिनामियल है इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो ये वैल्यू इसकी जीरोज होगी, शून्य होगी, रख दो। तो जब यहाँ ये पहला पार्ट है तब यहाँ एक्स का मान माइनस वन बाई थ्री रखेंगे तो ये तो होगा माइनस वन बाई थ्री, यहाँ रखो थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री थ्री कट गया, ये माइनस वन प्लस वन जीरो आ रहा नहीं आ रहा, चूँकि वैल्यू रखने पर जीरो आ रहा है तो आप लिखेंगे यस इट इज जीरोज, हाँ यह बहुपद यह शून्यक है। बस सब में ये नहीं लिखूंगा मैं, जिसमें यस होगा लिखेंगे हाँ ये शून्यक है, जिसमें नो होगा लिखेंगे ना ये शून्यक नहीं है,
ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई। पाई आप जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वही पाई 22/7 है। और एक्स का मान दिया है 4/5, एक्स का मान दिया है 4/5। तो जब हम यहाँ पर एक्स का मान 4/5 रखेंगे तो देखिए 5 × 4/5 प्लस पाई, सॉरी माइनस पाई, 5 5 कट गया तो आ गया 4 − π। अब बताओ ये जीरो आ रहा है, आप कहेंगे ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो नो लिखेंगे क्या, नो इट इज नॉट जीरोज, नहीं यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। अगले पार्ट में कुल मैं यस नो लिखूंगा, ये स्टेटमेंट पूरा आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ लीजिएगा। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स का मान एक है वन, एक है माइनस वन, ठीक है। अब इतनी हिंदी तो आज ही है कि वन माइनस वन को ऋणात्मक वन कहते हैं। अब रखो एक्स को वन, जब वन रखोगे तो ये आएगा वन का स्क्वायर वन माइनस वन, देखो जीरो आ रहा नहीं आ रहा, तो आप लिखेंगे यस हाँ, ठीक है। हाँ क्या, जो पूरा आपने लिखा था शून्य है, और जब माइनस वन रखोगे यहाँ आएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन, फिर जीरो आ जाएगा, तो इसमें भी यस लिख दोगे, हाँ यह शून्यक है, ठीक। केवल हाँ लिख के नहीं छोड़ देना, पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, और जो एक्स का मान दिया है वो दिया है माइनस वन और टू, माइनस वन दिया है और टू दिया, ये एंड का साइन होता है, और जो लिखते हैं वो मैथमेटिक्स में होता है। जरा वन रखो, माइनस वन रखो, तो जब पी माइनस वन रखोगे तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस वन प्लस वन, इस ब्रैकेट में माइनस वन माइनस टू, तो ये तो जीरो हो गया ना, और इन टू माइनस थ्री, तो ये तो जीरो आएगा ना, तो ये शून्यक है, यस हाँ शून्यक हो गया ना। अगर एक्स को टू रखो तो ये पी टू हो जाएगा, तो यहाँ टू रखो तो आएगा टू प्लस वन, ब्रैकेट में टू माइनस टू, ये भी जीरो आ गया भाई, टू माइनस टू जीरो आएगा, जीरो मल्टीप्लाई सब कुछ भी करोगे जीरो आएगा ना, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस यह शून्यक है, हाँ ये शून्यक है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान जीरो है, रखो जरा, अगर एक्स को जीरो करोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो तो आएगा ना, तो आप लिखेंगे यस हाँ यह शून्यक है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, जिसकी वैल्यू जीरो आ रही वो है, नहीं आ रही तो नहीं है, अब वो कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और जो एक्स का मान यहाँ दिया है वो दिया है माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल, रखो एक्स का मान यहाँ पर, तो पी माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एल, एक्स का मान क्या रखेंगे, माइनस एम बाई एल प्लस एम, ये एल और एल कट जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस एम प्लस एम, और वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो आप लिखेंगे हाँ यह शून्यक है, यस। इसलिए हम पहले हिंदी लिख दिया कि इंग्लिश हिंदी वालों को लगेगा पहले अंग्रेजी लिखते हैं बड़े आए, नहीं भाई पहले हिंदी भी लिखते हैं। तो ये हो गया आपका सिक्स पार्ट। सेवन्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए इसी में जगह है कर दीजिएगा। पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया है आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स का मान दिया है आपका माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री, ठीक है। अब हम वैल्यू रख के देखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू ये रखते हैं, पी माइनस वन बाई रूट थ्री रखो यहाँ पर, थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, जरा ध्यान से देखिएगा, जब वन बाई थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करोगे, पहली बात तो पावर जो है वो इवन है, यानी कि सम है, और जब इवन होगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और ये रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है ना, तो थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, थ्री थ्री कट गया तो वन माइनस वन जीरो आ गया, तो आप लिखेंगे यस हाँ यह शून्यक है, यह जीरोस है, ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब अगला पार्ट कह रहा है कि भाई पी
टू बाई रूट थ्री लिखो, रखो जरा, तो यानी कि थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री ये आएगा फोर बाई थ्री, तो ये कट जाएगा, तो आएगा फोर माइनस वन बराबर थ्री, ये जीरो नहीं आएगा, तो आप लिखेंगे नो नहीं, ये शून्य नहीं है। तो ये आपका सेवेंथ पार्ट हो गया, ठीक, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। एट्थ पार्ट क्या करा है कि पी एक्स दिया है टू एक्स प्लस वन और एक्स का मान वन बाई टू रख दीजिए उठा करके, तो जब यहाँ एक्स का मान रखोगे वन बाई टू तो क्या आएगा, टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, ये टू टू कट गया, वन प्लस वन बराबर टू, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे नो नहीं, यह शून्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन केवल चेक करना था कि एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो उसके जीरोज हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, द दिए हुए जो बहुपद हैं इनमें से प्रत्येक के शून्य निकालिए। क्या हमने कहा जीरोज, एक्स का वो मान जो उसकी वैल्यू को जीरो कर दे, तो आप करेंगे क्या, जो वैल्यू दी हो ना उसी को जीरो कर दीजिए और उससे एक्स का मान निकाल लीजिए, वही उसका जीरोज होगा। जैसे पहला पार्ट दिया क्या है, पी एक्स दिया है एक्स प्लस फाइव, और आपसे कह रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू फाइंड करिए, जो वो वैल्यू निकालिए जो इस बहुपद का मान, इस पॉलीनोमियल का मान जीरो कर दे। तो आप कहेंगे भाई अगर एक्स को माइनस पाँच रख दें तो माइनस पाँच प्लस पाँच जीरो हो जाएगा ना, लेकिन हमने कहा निकालिए, तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर एक्स प्लस फाइव जो है ना उसी को जीरो कर दीजिए, तो एक्स का मान क्या निकलेगा, माइनस पाँच, यही आपका शून्य हो गया, जीरोज हो गया, ठीक है भाई। माइनस पाँच तो आपने आइडिया से रख दिया ना, आया कहाँ से, तो उसी को जीरो कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एक्स माइनस फाइव, पी एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव में एक्स का वो मान निकालिए जो इस बहुपद को जीरो कर दे, इस पॉलीनोमियल को जीरो कर दे, तो आप इसी को जीरो कर दीजिएगा, एक्स माइनस पाँच जीरो, तो एक्स का मान क्या आएगा, पाँच। वैसे तो दिख रहा है कि फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा, लेकिन आया कहाँ से, तो ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव, तो आप क्या करें, शून्य के लिए इसको जीरो कर दो, जीरोज के लिए, तो आप जानते हैं टू एक्स बराबर माइनस पाँच, तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस पाँच बटे दो, तो ये एक्स की एक वैल्यू आ गई है ना, बस सभी निकल आए, उसमें कुछ खास बात है नहीं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा भैया पी एक्स बराबर थ्री एक्स माइनस टू, पी एक्स बराबर थ्री एक्स माइनस टू, तो इसमें थ्री एक्स माइनस टू को जीरो कर दो, एक्स का मान क्या आएगा, दो बटे तीन। हम जानबूझ के बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चाह रहे कि टू को उधर ले जाएंगे, थ्री को डिवाइड में ले जाएंगे, आप जानते हैं इतना कैलकुलेशन। अगला पार्ट कह रहा है थ्री एक्स, पी एक्स बराबर थ्री एक्स, तो थ्री एक्स को जीरो कर दो। तो जब देखिए अब यहाँ थोड़ा टेक्निक है, एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो एक्स का मान आएगा जीरो बटे तीन, और किसी भी बटे जीरो में बटे करोगे जीरो ही आएगी, तो ये इसका जीरो हो गया। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर ए एक्स, पी एक्स बराबर ए एक्स, और ये कह रहे हैं कि भैया ए जो है ना वो जीरो नहीं है, तो आप ए एक्स को जीरो कर दो, जैसे यहाँ तीन जीरो नहीं है, अगर भाई ए जीरो हो जाएगा तो ए अगर जीरो है तो वो तो मल्टीप्लाई अपने आप जीरो हो जाएगा, एक्स थोड़े उसको जीरो कर रहा है, तो कह रहे हैं एक्स ए जीरो नहीं है, तो एक्स का मान क्या आएगा, जीरो बटे ए, तो जीरो आ जाएगा। ये जो भी एक्स के मान निकल रहे हैं वो ये पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। और अगला है सी एक्स प्लस डी, सेवन्थ पार्ट देखिए जरा, इसी में सेवन्थ पार्ट देख लीजिए, क्योंकि बहुत 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 इजी एक्सरसाइज थी, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल हमने नहीं बताया, एक ही बात पूछी है। पी एक्स बराबर क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी, और ये कह रहे जो सी है ना वो जीरो नहीं है, क्यों ये कहा इन्होंने, अगर भैया सी जीरो हो जाएगा ना तो जीरो इंटू एक्स, एक्स कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं सी जीरो नहीं है, तो आप क्या करेंगे सी एक्स प्लस डी को जीरो कर दो, तो सी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का डी, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का डी बाई सी। तो इस प्रकार से ये एक्स की वैल्यूज़ हैं
जो इस बहुपद को, इस पॉलिनामिल को जीरो कर रही है, यानी ये इसके जीरोज हैं, ये इसके शून्य हैं। तो ये हुई एक्सरसाइज। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन साफ साफ लिखने की कोशिश की है। तब तक नमस्कार।